हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल मैथमेटिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हमारा पार्ट 23 है। इससे पहले मैंने 22 पार्ट अपलोड कर दिया है और सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सभी के लिए मैंने इजी ट्रिक भी बताई है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और मैंने सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्या देखिए क्या कहा है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तो अनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखें और एंड तक देखें। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो देखिए क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। तो देखिए, कभी भी इस तरह दिया हुआ क्वेश्चन हो, सबसे पहले औसत जिसका दिया हुआ तो उसका योग निकालते हैं। ठीक है, योग यानी कि जोड़, यानी कि यहाँ पर क्या दिया, 5 संख्याओं का औसत 27 है, यानी 5 संख्याओं का हम योग निकालेंगे, यानी 5 संख्या का जोड़ने पर कितना होता है। तो देखिए, कभी योग निकालने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या दिया हुआ होता है और जो औसत दिया हुआ था, दोनों को गुणा करते हैं, तो वही हमारा होता है योग। तो देखिए, 5 संख्या है तो 5 संख्याओं का योग, 27 है औसत, तो औसत 27 से गुणा कर दिए तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया योग। यानी कि इसको गुणा करेंगे तो 135 आएगा, यानी कि 5 संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 होगा। अब देखिए क्या कहा है उसके बाद, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए। देखिए ध्यान से, एक संख्या जब निकालेंगे तो 5 पहले था तो अब कितना हो गया, 4 संख्या हो गया। ठीक है, अब देखिए निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर औसत पहले कितना था, 27 था, अब 2 की कमी आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो देखिए इनका भी योग निकालेंगे तो 25, तो यहाँ देखिए 25 चौके 100, यानी 4 संख्याओं का योग कितना हो गया, 100 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 100 हो गया, तो 5 संख्याओं का 135 था, है ना, और 4 संख्याओं का 100 हो गया, तो इनको घटा देंगे तो 5 बार निकल जाएगा। तो देखिए इसको घटा देते हैं 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 35, यानी यही हो गया हमारा आंसर। निकाली गई संख्या क्या हो गया, 35 हो गया, तो ये हो गया आंसर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए देखिए, इस ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था, ट्रिक देख लेते हैं। देखिए देखिए ट्रिक में क्या होता है, इसमें क्या कहा, 5 संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है, तो जो औसत दिया हुआ टोटल उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, 27 तो 27 लिख लिए। उसके बाद क्या कहा, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, एक संख्या निकाली जा रही है ना, तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तो देखिए, एक संख्या जब निकाल देंगे तो पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा, 4 हो गया, और जितना कमी कहे उतना से गुणा करते हैं, कमी या वृद्धि जो कहे उससे गुणा करते हैं। तो देखिए 2 की कमी कहे तो 2 से गुणा कर दिए। ठीक है, अब यदि कमी कहेगा तो यहाँ पे प्लस करना है, यदि वृद्धि कहता तो माइनस करते। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कमी यदि कहा है तो यहाँ प्लस करेंगे और यदि वृद्धि कहता तो माइनस करते। चलिए तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 27 और प्लस 4 दुनी 8, दोनों को जोड़ देंगे तो 27 और 8 मिलके 35, यही हो गया आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। देखिए, यदि क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन यदि आपको लगे कि आप इसे कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करके आप उसे बनाने की कोशिश जरूर करो। ओके फ्रेंड्स, चलिए, और किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ क्या है, x³ - y³ का मान ज्ञात करें यदि x - y = 4 और xy = 12 है। देखिए तो यहाँ पे इसके लिए भी मैं ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, x³ - y³ का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले x³ - y³ का फॉर्मूला पे हम बनाते थे। देखिए x³ - y³ का फॉर्मूला क्या होता है, x³ - y³ = क्या होता है,
एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए इस पे हम लोग रखते हैं एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना है, चार है, यहाँ पे रखेंगे चार, क्यूब है फॉर्मूला में तो क्यूब कर दिए, प्लस है फॉर्मूला में तो प्लस करेंगे, थ्री है तो थ्री लिख दिए, गुणा एक्स वाई, एक्स वाई है तो एक्स वाई का वैल्यू कितना है, ट्वेल्व है, ट्वेल्व लिख दिए, इंटू एक्स माइनस वाई है तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना है, चार है, तो यहाँ पर चार रख दिए। देखिए चार का क्यूब कितना हो गया, चौंसठ प्लस ये हो गया बात यहाँ छत्तीस, छत्तीस चौका एक सौ चौवालीस, दोनों को जोड़ देते हैं तो चार चार आठ, ये हो गया छः चार दस के जीरो, कहीं बचा वन, वन वन मिलकर टू, यानी कि दो सौ आठ हो गया आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखिए इसके लिए अब ट्रिक देखते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली इसको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है क्या कहा, x माइनस वाई इक्वल टू चार, तो कौन सा ऐसा दो संख्या लें जिसका अंतर चार होना चाहिए और गुणा करने पर क्या होना चाहिए, ट्वेल्व होना चाहिए। तो देखिए हम लोग देखेंगे कि क्या लिख सकते हैं, छः और चार जब लेंगे, सॉरी छः और दो लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका अंतर चार होगा और गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा। देखिए तो गुणा करने पर ट्वेल्व आ गया, यानी कि इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो फॉलो कर रहा है, तो यानी कि हमारा एक्स का वैल्यू छः हो गया और वाई का वैल्यू दो हो गया, तो इसमें रख देंगे। तो देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो देखिए एक्स का जगह पे छः क्यूब कहा था तो क्यूब कर दिया, माइनस है तो माइनस करेंगे, वाई क्यूब, वाई की जगह पे दो है तो दो का क्यूब, और छः का क्यूब कितना होता है, दो सौ सोलह, माइनस दो का क्यूब होता है आठ, घटा दिए तो कितना हो गया, दो सौ आठ। ओके फ्रेंड्स, चलिए आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ क्या कहा, 20% तथा 30% का एकल बट्टा ज्ञात करें। तो देखिए इसके लिए क्या करना होता है कि, चलिए इसके लिए हम दो तरीके से बना सकते हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट वाला देख लेते हैं उसका ट्रिक देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, 20% तथा 30% एकल बट्टा ज्ञात करना है। तो देखिए कोई भी संख्या 100% होता है तो 100 हम लोग लेके चलेंगे, तो देखिए 100 100 मान लेते हैं हम संख्या, तो देखिए 100 का क्या कहा है, 20% एकल बट्टा मतलब होता है छूट, है ना, यानी कि 100 का 20% छूट दिया गया, यानी कि बच गया कितना, तो 80%, तो 80/100 80% कहेंगे तो परसेंट, तो बट्टा में 100 हो गया परसेंट के लिए, फिर दिया गया 30%, तो गुणा में लिखना है 30% छूट दिया गया, यानी कि 100 में से घटा देंगे 30, यानी कि 70%, तो देखिए कभी रहेगा तो 100 में से घटा कर ही लिखेंगे इस तरह के क्वेश्चन में। तो देखिए 30% था तो 100 में से 30 घटा दिए, 70 हो गया, 70/100 हो गया। अब देखिए ये 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, और ये 20 से 20 कैंसिल। अब देखिए ये हो गया 8×7=56, ये 56 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो एकल बट्टा कह रहा है ना, छूट कह रहा है, तो अब जो छूट होगा, छूट क्या हो जाएगा, ये हो गया 56% उस वस्तु का अब दाम हो गया है ना, लेकिन छूट पूछा है कि छूट कितना मिला, तो देखिए 100 में से ये जो रहेगा इसको घटा देते हैं -56, तो देखिए 100 में से 56 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 44%, यही हो गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके लिए ट्रिक देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसके लिए इस तरह का प्रश्न के लिए क्या होता है ट्रिक, तो ये होता है एक्स, इसके लिए क्या होता है एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स वाई, यानी एक्स गुणे वाई बाई 100, देखिए यही होता है। तो देखिए हम रखते हैं क्या, एक्स प्लस वाई, एक्स का क्या है 20 है तो 20 रख दिए, प्लस है तो प्लस, वाई की जगह पर 30 है तो 30, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, अब दोनों गुणा करके लिखना है, यानी 20 गुणे 30 बटा में 100 करना है, यानी कि 100, तो देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया, और 20 30 50, माइनस है तो माइनस, दो तिहाई 6, ये घटेगा तो 44%। ओके फ्रेंड्स, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ का एक नाविक धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और धारा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है, तो धारा की गति। देखिए इस तरह का कभी प्रश्न हो, जब जब नाविक क्या कहा है, नाविक धारा की दिशा में, धारा की दिशा और धारा के विपरीत दोनों का चाल दिया हो, तो धारा की गति यदि कहे तो क्या कहते हैं, एक्स माइनस वाई बाई टू होता है, और यदि कहता नाव की चाल तो क्या कहते हैं, एक्स प्लस वाई बाई टू। ठीक है, तो धारा की गति कहा है तो एक्स माइनस वाई बाई टू, और नाव की गति कहता तो एक्स प्लस वाई बाई टू। तो देखिए यहाँ पे हमारा कहा धारा की गति, तो इसमें लगाएंगे एक्स माइनस वाई, तो एक्स क्या है 22 हो गया, और माइनस वाई की जगह पे 16 हो गया, बटा में 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 22 में से 16 गया तो 6 बटा में 2 यानी कि 3, यही हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पढ़ाओ आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ क्या, किसी वस्तु के क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर उसका मूल्य अंकित किया जाए कि ग्राहक को 5% कटौती देकर भी 33% लाभ प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस तरह के प्रश्न के लिए देखिए बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा। देखिए कभी भी इस तरह का प्रश्न हो तो क्या करना है कि आप इसे कर सकते हैं दोनों को ऐड। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या करना होता है, दोनों को ऐड करना होता है, यानी कि 5 प्लस 33 और बटा में जितना कटौती करे वो 100 में से घटा के लिखना है, यानी कि 100 माइनस 5 है ना, तो 100 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 95, और गुणा 100, गुना परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, बस यही हो जाएगा आंसर। तो देखिए 35 और 3 मिलके 33, मिलके 38 हो गया, तो 38 बटा में 95 गुणा 100, ये हो गया 5 से 20 बार में, 5 से 19 बार में, और 19 से 2 बार में, ये हो गया 20 दूनी 40, यानी कि हो गया 40 आंसर हमारा हो गया। ठीक है, क्या कहा, कितने प्रतिशत बढ़ाकर उसका मूल्य अंकित किया जाता है, 40% बढ़ाकर मूल्य अंकित करना होगा, तो यही हो गया आंसर। चलिए फ्रेंड्स, चलिए फिर इसको एक बार देख लेते हैं, क्या किए इसमें, क्या करना है, दोनों को जितना कटौती का है और जितना लाभ प्राप्त उसे करना है बाद में, तो उन दोनों को ऐड करना है, यानी 5 और 33 को हमने ऐड कर दिया। उसके बाद क्या करना है, जितना कटौती का रहा था 100 में से उसको घटा दिए है ना, तो 100 में से 5 गया तो 95 हो गया, और 95 और फिर उसके बाद परसेंटेज में चेंज करना है तो गुणा 100 कर दिए परसेंटेज में चेंज करने के लिए, अब ये हो गया 33 और 5 मिलकर 38, अब बटा में ये 95 था तो 95 लिख दिए, और गुणे में 100 तो गुणा 100, 5 से 20 बार में 100, और 5 से 19 बार में 95, और 19 से 2 बार में 38, अब 20 दूनी 40, यानी 40% हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।